हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर कॉन्सेप्ट के बारे में। कुछ कुछ लोगों ने कमेंट किया था प्रेशर को समझ में नहीं आ रहा, जनरली नहीं समझ में आता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसमें। तो हमने कुछ आसान सा टिप्स है जो अलग अलग तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इस वीडियो को। सबसे पहले हम प्रेशर कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो पहले FM में सेकेंड हीट एक्सचेंजर कॉलम या कॉलम्स जैसे होते हैं पैक्ड कॉलम, CRE वगैरह में पढ़े होते हैं जो भी कॉलम, फ्लूडाइज्ड बेड, फिक्स्ड बेड, स्लरी बेड, ये सब पड़े होते हैं उसमें। और तीसरा आता है प्रेशर ड्रॉप कॉन्सेप्ट। तो प्रेशर ड्रॉप का कॉन्सेप्ट हम सबसे पहले पढ़ेंगे, क्योंकि यार हमको लगता है कि थर्ड वाले के साथ जो लास्ट वाला होता है उसके साथ हमेशा नाइंसाफी होती है, उसको सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है। इसलिए हम सबसे पहले तीसरा पढ़ेंगे, प्रेशर ड्रॉप कॉन्सेप्ट। तो कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि प्रेशर ड्रॉप डिक्रीजेस, प्रेशर ड्रॉप इंक्रीजेस। प्रेशर ड्रॉप का मतलब क्या होता है? प्रेशर का मतलब जानते ही हैं, प्रेशर, और ड्रॉप का मतलब घटना, प्रेशर घटना, प्रेशर कम है। मतलब प्रेशर ड्रॉप का मतलब प्रेशर कम है। प्रेशर का कम होने का मतलब क्या हुआ कि प्रेशर कम है और इसको हम एक बार डिक्रीज करेंगे, एक बार इंक्रीज करेंगे, तो प्रेशर घट रहा है ना, प्रेशर घटा हुआ है और उसको डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब उल्टा कर रहे हैं। अगर प्रेशर घट रहा, प्रेशर ड्रॉप का मतलब प्रेशर घट रहा और उसको डिक्रीज करेंगे, मतलब उसका उल्टा करेंगे, हम प्रेशर ड्रॉप बढ़ा देंगे, है ना। प्रेशर घट रहा, अब डिक्रीज करने का मतलब हम प्रेशर बढ़ा देंगे। तो ये हो जाएगा प्रेशर ड्रॉप डिक्रीजेस का मतलब हमेशा होगा, डिक्रीजेस का मतलब प्रेशर बढ़ाना, ठीक ना, ये समझिए। प्रेशर ड्रॉप मतलब प्रेशर घट रहा, अब प्रेशर का घटना हम घटा दे रहे हैं, मतलब घट रहा है उसको हम घटा दे रहे हैं, मतलब बढ़ा दे रहे हैं, प्रेशर को हम बढ़ा दे रहे हैं। सेम इंक्रीज में प्रेशर ड्रॉप घट रहा है और इस प्रोसेस को और हम बढ़ावा दे रहे हैं। इंक्रीज करने का मतलब हमको बढ़ावा देना प्रेशर ड्रॉप, ठीक ना। तो प्रेशर घट रहा है और उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो मतलब और ज़्यादा घटा रहे हैं, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, और ज़्यादा घटेगा, ठीक। ये कॉन्सेप्ट हो गया प्रेशर ड्रॉप कॉन्सेप्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है FM में, इसको आप समझिएगा बहुत ध्यान से। हम एक चीज़ बताएंगे, आप लोगों को पता भी होगा या नहीं भी होता, कुछ लोगों को गलत बताओ तो, जैसे मोटा पाइप है, फ्लो रेट सेम है, ये पतला पाइप है, इसमें भी फ्लो रेट यही है, नहीं फ्लो रेट चेंज होगा, फ्लो रेट चेंज होगा, ठीक है। ये देखिए पहले, यहाँ पे मोटा पाइप है, यहाँ पे पतला पाइप है। मोटा पाइप का मतलब यहाँ पे लिक्विड धीरे धीरे जाएगा, वेलोसिटी धीमा होगा, फ्लो रेट तो सेम ही रखेंगे, ठीक ना, यहाँ पे धीमा होगा, यहाँ पे तेज से जाएगा। अगर पतला पाइप इतना, पहले डायमीटर इतना था, कुछ वेलोसिटी होगा इसका, फिर हम इसको पतला कर दें तो वेलोसिटी कुछ बढ़ जाएगा, है ना, फ्लो रेट सेम रखने के लिए वेलोसिटी बढ़ जाएगा। अब वेलोसिटी बढ़ गया तो यहाँ पे हम प्रेशर का कैसे हम लगाएंगे मेथड, यहाँ पे प्रेशर जो होगा ये धीरे धीरे जा रहा है तो प्रेशर ये ज़्यादा लगाएगा, ये बहुत तेजी से जा रहा है तो ये प्रेशर कम लगाएगा। इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे मैनोमीटर से। ये पाइप है, यहाँ पे हम मैनोमीटर एक जोड़ दे रहे हैं, ये लीजिए मैनोमीटर, ये यूट्यूब वाला मैनोमीटर हम जोड़ दिए, यहाँ पे ऑरिफिस लगाएंगे, है ना, इसमें जगह कुछ खाली रहता है बीच में, ऑरिफिस भी हम एक बार बताएंगे बहुत अच्छे तरीके से, ऑरिफिस लोगों को समझ में नहीं तो क्या होता है ना, इस तरह से होता है, एक गोल सा है, इसके इधर ऐसे निकला होगा और ऐसे बना होता है, ये वाला भाग पूरा पट्टी, एक चौड़ी पट्टी, इसको हम पाइप में फिट कर देते हैं, ठीक, इसमें पाइप में फिट कर देंगे तो ये वाला जो भाग दिखेगा ये बीच में ऐसे दिखेगा चारों तरफ, ठीक, ऐसे पकड़ के ऐसे हम इधर लगा, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे पाइप में फिट कर देंगे, एक मोटा सा पाइप जा रहा है, ऐसे फिट कर देंगे इस तरह से, एक पहले मान लेते हैं ये पतला वाला, और ये हम लगा दिए ऑरिफिस, है ना, ऐसे ऑरिफिस निकला, अब मोटा वाला पाइप ऐसे जाता है तो ये मोटा वाला पाइप का डायमीटर इतना था, अभी इसमें लगा देंगे तो ये डायमीटर घट जाएगा कुछ, ठीक ना, सेम इसी तरह डायमीटर घट गया। तो हम देखते हैं क्या है कि यहाँ पे प्रेशर कुछ होता है P1, यहाँ पे प्रेशर कुछ है P2, तो हमेशा देखते हैं P1 माइनस P2 हमेशा होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब P1 हमेशा ज़्यादा होगा P2 से, कैसे करें,
जब हम देखते हैं कि यहाँ से लिक्विड आता है तो यहाँ पे प्रेशर लगाता है, ये इधर चढ़ जाता है। इधर चढ़ क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेशर ज़्यादा होता है इसकी अपेक्षा, इसीलिए यहाँ पे चढ़ जाता है। अगर ये प्रेशर कम होता है तो ये दबा ही नहीं पाता है ना, तो इधर चढ़ता ही नहीं। अगर ये प्रेशर इसके बराबर होता तो दोनों लिक्विड मेंटेन रहता है, अगर ये प्रेशर ज़्यादा होता तो इधर चढ़ जाता है, ठीक ना। तो प्रेशर किधर चढ़ेगा? इधर चढ़ता है, ये सबको पता है। तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? पाइप जा रहा है, वेलोसिटी पाइप के डायमीटर के बराबर ही है, ठीक। अब यहाँ पे जब प्रेशर लगाया इधर आ गया, ठीक ना, P1 प्रेशर लगा दिया। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे एरिया घट गया है, एरिया घट गया तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगा तो यहाँ पे ये प्रेशर कम लगा पाएगा। जबकि डायामीटर सेम है, फिर भी ये लिक्विड का वेलोसिटी बढ़ने से इसका प्रेशर वाली जो एनर्जी होगी कम हो जाएगी, इसीलिए प्रेशर कम लगा पाएगा। तो ये प्रेशर कम लगाता है इसीलिए कम हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर प्रेशर बढ़ता है तो एरिया क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, एरिया घटेगा, ठीक ना, एरिया घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा एरिया घटेगा। अब प्रोपोर्शनल टू, देखिए यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है तो वेलोसिटी कम है, सॉरी वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी फिर से लिख देते हैं, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू 1/V है ना। अब प्रोपोर्शनल टू 1/ यही होगा, एरिया कम, सॉरी ये एरिया ऐसे होगा, ठीक ना, प्रोपोर्शनल टू एरिया, पी प्रोपोर्शनल टू 1/V प्रोपोर्शनल टू एरिया ज़्यादा, प्रेशर ज़्यादा, वेलोसिटी कम। जब वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होने का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कम था तो एरिया भी ज़्यादा था और यहाँ पे हमारा प्रेशर ज़्यादा आ रहा था, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जब बढ़ गया ये, तो प्रेशर घट गया, एरिया यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर कहीं पे इस तरह का आएगा कंडीशन तो हम एरिया का लगा सकते हैं, एरिया घट रहा प्रेशर, एरिया बढ़ेगा प्रेशर बढ़ेगा, एरिया घट रहा प्रेशर घट जाएगा। दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तीसरा कॉन्सेप्ट हीट एक्सचेंजर में, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी हमने लिख दिया इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हमने IOCL का रिटर्न एग्जाम भी दिया है तो उसमें भी ये पूछा गया था। तो हीट एक्सचेंजर के बारे में एक क्वेश्चन है, कहा इसमें ये प्रेशर ड्रॉप का जो इंक्रीज और डिक्रीज का ये वो है ना, तो इसको हम समझने के लिए इसको लगा दिए। थोड़ा हीट एक्सचेंजर के बारे में भी जान लेते हैं। अब जब हीट एक्सचेंजर होता है, सबसे पहले तो हम लोग पढ़ते हैं डबल पाइप, तो डबल पाइप पढ़ते हैं तो इधर देखिए ये फ्लूड होते हैं ना, ये इसमें होगा एनुलर स्पेस जो होगा इसमें, इसमें हमारा होगा और एक फ्लूड, इसमें दूसरा फ्लूड होगा, ठीक ना। तो इसका जो फ्लूड होगा ट्यूब वाला, ट्यूब के दीवार पे लगाएगा फोर्स, इसमें जो होगा वो सेल में लगाएगा, सेल साइड लगाएगा, मतलब बाहर की तरफ ट्यूब पर भी लगाएगा लेकिन ये सेल पे भी लगाएगा, ठीक ना, दोनों तरफ लगाएगा। तो अगर ट्यूब में और लिक्विड को ज़्यादा ज़्यादा लिक्विड आता है तो ज़्यादा इसमें प्रेशर लगाएगा, अगर हम इसका ये कम कर दें, इसका ये डायामीटर कम कर दें तो ये तेज़ी से निकलेगा और प्रेशर कम लगाएगा। सेम अगर हम डबल पाइप हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, इसमें बहुत सारे ट्यूब्स यूज करते हैं, तो जितना ज़्यादा स्पेस होगा सेल साइड में उतना ज़्यादा ये प्रेशर लगाएगा, कम स्पेस कम प्रेशर लगाएगा, ठीक ना। अब इस कॉन्सेप्ट को, इस क्वेश्चन को सॉल्व, टू रिड्यूस द ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप, ट्यूब साइड के मतलब यहाँ ट्यूब में जो प्रेशर होगा इसकी बात करेंगे हम केवल, ठीक। तो ट्यूब साइड प्रेशर ड्रॉप रिड्यूस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा? रिड्यूस करने का मतलब प्रेशर ड्रॉप रिड्यूस करना, मतलब प्रेशर ड्रॉप मतलब प्रेशर घटना और उसका रिड्यूस करना, मतलब प्रेशर का घटना का घटाना, मतलब देखो उल्टा कर दिया ना, प्रेशर ड्रॉप घट रहा है तो डिक्रीज, प्रेशर ड्रॉप रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूस मतलब डिक्रीज, प्रेशर ड्रॉप मतलब प्रेशर घटा रहा और डिक्रीज मतलब प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ट्यूब की मोटाई और ये ज़्यादा हमको डायामीटर में रखना पड़ेगा। अब देखिए मान लीजिए हीट एक्सचेंजर का सेल है, इसमें ट्यूब लगाते हैं, ज़्यादा कब होगा? जब हमारा कम से कम यहाँ पे ट्यूब्स लगे होंगे, है ना, तभी तो डायमीटर इसका ज़्यादा। अगर ज़्यादा ट्यूब लगाना है तो हमको डायमीटर कम करना पड़ेगा, डायमीटर कम करना पड़ेगा तो प्रेशर घट जाएगा, जबकि हमको प्रेशर को यहाँ पे बढ़ाना है, प्रेशर को बढ़ाना है तो हम सबसे कम वाला लेंगे। यहाँ पे देखिए सबसे कम किस में होगा, अगर हम एक चीज़ और बता दें, जैसे डबल 1/2 यूज करते हैं, 2/4 यूज करते हैं, जैसे यहाँ पे दिया 2/3 यूज करते हैं, 1/2 यूज करते हैं, तो यहाँ पे ट्यूब्स की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। ट्यूब ज़्यादा होने से हमारा प्रेशर, मतलब ट्यूब ज़्यादा होने से उसका डायमीटर कम हो जाएगा, जिससे प्रेशर हमारा घट जाएगा,
तो हमको प्रेशर बढ़ाने के लिए कम ट्यूब इस्तेमाल करना, कम ट्यूब सबसे ज्यादा 1:1 हीट एक्सचेंजर में होती है। तो आंसर सही हो जाएगा, ये है पूरा बढ़िया से कॉन्सेप्ट, अब समझ में आया ठीक है। और नहीं आया है तो हमने जल्दीबाजी में पढ़ा दिया ऐसे ही, अभी नहीं आया तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, जहां भी फंसता है कोई भी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। तो बाकी देखने के लिए वीडियो थैंक यू।